हाय फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते होंगे कि संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां हिमालय में ही है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय के कुछ प्रमुख पर्वत सागर माता हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणेई, मानसूल जैसे हिमालय के 100 से भी ज़्यादा पर्वत शिखर हैं। पर आज हम बात करेंगे हिमालय के बड़े खतरों के बारे में, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजुम सिद्दीकी एंड आप देख रहे हैं जैन अप नॉलेज क्रू। हिमालय से जुड़ी हुई उन खतरों के बारे में बताएंगे, इन पर बात कोई नहीं कर रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने से ग्लेशियर झीलों का स्तर बढ़ रहा है, बल्कि ये और भी खतरों का कारण बन रहे हैं जिन्हें मॉनिटर नहीं किया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर भाई किस चीज का नाम है, तो ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद कहते हैं। ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर विशाल गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं, जो अपने वजन की वजह से पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर बहती है। आई होप आप समझ गए होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से करोड़ों टन बर्फ पिघल चुका है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड के चामोली में हाल ही में आई भयानक तबाही इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इस तरह के खतरों से हम कितने अनजान हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्लेशियर का पिघलना इतना खतरनाक क्यों है। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये मेरा नहीं जानकारों का कहना है कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं या पतले हो जाते हैं तो ग्लेशियर डेंजर हो जाते हैं। ये पहाड़ों की खड़ी दीवारों से चिपक जाते हैं। अब आप सोचेंगे तो क्या हुआ, इसमें डरने वाली क्या बात है, तो हम आपको यह बता दें, ये चिपके हुए ग्लेशियर कभी भी अचानक ढह सकते हैं। और तो और ये भी हो सकता है कि ये पतले ग्लेशियर पहाड़ के नीचे और आसपास की जमीन को अस्थिर कर दें। इसकी वजह से चट्टान गिर सकती है या भूस्खलन हो सकता है। समस्या यहीं खत्म नहीं होती, जरा और जानिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से नदियों और नाले आगे चलकर तबाही का रूप ले सकते हैं। नदियों की तबाही तो हम सभी देख चुके हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ग्लेशियर निगरानी क्यों नहीं रखते, तो आपका ख्याल तो सही है, ये काम बड़ा मुश्किल है ग्लेशियर पे निगरानी रखना। हिमालय का कठिन भूगोल निगरानी का काम को बेहद मुश्किल बना देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय लगातार बढ़ रही है। भूकंप कई बार पहाड़ों के ढलान को अव्यवस्थित कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर बर्फबारी और वर्षा के पैटर्न बदलने से पहाड़ अधिक कमजोर हो जाते हैं। साल 2016 में तिब्बत के अरु पर्वत पर एक ग्लेशियर ढह गया था, जिससे हिमस्खलन हुआ और 9 लोगों की और सैकड़ों पशुओं की जान चली गई। कुछ महीनों बाद उसी पहाड़ पर एक और ग्लेशियर अप्रत्याशित रूप से ढह गया था। 2012 में पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर में हुई दुर्घटना में लगभग 140 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तानी थे। हिमालय इतना विशाल है, उतना ही उससे होने वाला खतरा भी विशाल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।